सर ऐसा सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसक करते हैं, इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है, इस बारे में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं, अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो, गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है, तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। शिव अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है, तो देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा, जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। सी भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने शंकराचार्य का यह भाषण सुना, वो इस बात को बता रहे थे कि हिंदू धर्म कभी भी हिंसा नहीं कर सकता है, यह राहुल गांधी ने बयान दिया था। और इस बयान पर शंकराचार्य जो हैं इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के बारे में राहुल गांधी जो है वो कभी बुरा नहीं बोला, लेकिन कुछ नफरती लोग जो है उसको भी कोट करते हुए बुरा कहा जाता। अरे इसको तो छोड़ दीजिए, अभी से कल की बात बता रहा हूँ, कल दो दिन पहले की बात बता रहा हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, कल दो दिन पहले जो है एक पास्टर्स को घर के अंदर से खींच कर टांग कर उसे मारा गया, बनियान फाड़ा गया। मैंने आपको वीडियो क्लिप में भी दिखाया था मेरे मसीह भाई बहनों, ये राजस्थान का घटना है, बगल वाला खिड़की पे आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से मारा जा रहा है आप खिड़की पे देख रहे हैं किस तरह से पीटा गया उसको। और यह कौन लोग किया, वही लोग कर रहा है जिस पे राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि यह लोग सिर्फ हिंसा करना जानते हैं, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं और ये इनका काम ही है नफरत फैलाना। मेरे मसीह भाई बहनों, यह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को इस बात को कहा, लेकिन हिंदू धर्म, मैं भी कहता हूँ कि हिंदू धर्म में कहीं भी कोई चीज़ जो है वहाँ पे हिंसा शब्द का उपयोग नहीं किया गया और हिंदू धर्म जो है वो कभी हिंसा करता ही नहीं है, लेकिन कुछ हिंदू धर्म में कुछ नफरती लोग जो हैं वो सिर्फ हिंसा 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 करना जानते हैं मेरे वसी भाई बहनों।
तो मेरे बस में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुद आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, आमीन। भरतपुर के संगम विहार में धर्म परिवर्तन का खेल, ईसाई धर्म में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा, कई लोग हिरासत में। हंगामे की ये तस्वीरें भरतपुर के संगम विहार इलाके की हैं और ये घर आरोपी रवि कुमार का है और हंगामा करने वाले लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं।